खबर आ रही है पाकुड़ झारखंड से, जहां मंडल रेल प्रबंधक हावड़ा मनीष जैन के प्रथम निरीक्षण के क्रम में आज पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर सहित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। तदुपरांत पाकुड़ के रेल यात्रियों तथा रेल समस्याओं से संबंधित ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन हावड़ा मंडल सह पाकुड़ के अध्यक्ष साबी राय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रेल प्रबंधन हावड़ा श्री जैन से मिलकर प्रतिनिधि मंडल ने 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। श्री राय ने मंडल रेल प्रबंधक श्री जैन से पाकुड़ के रेल यात्री समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए बताया, 2020 से सभी रेल यात्री के लिए पैसेंजर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के गरीब मरीजों, दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्धमान पाकुड़ साहिबगंज लूप लाइन रेल खंड तथा मालदा के लिए अविलंब रेल यात्री सेवाओं को बहाल किया जाए। साथ ही अगर पश्चिम बंगाल सरकार गाड़ियों के चलाने का आदेश नहीं देती है तो पूर्व की भांति नबी नगर से गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए। साहब आज एक दिवसीय दौरे पर पाकुड़ थे, इस बाबत हम लोगों ने पैसेंजर एसोसिएशन के बैनर के तहत एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें यात्री गाड़ियों के संचालन के लिए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है। साथ ही हम लोगों ने आग्रह किया है कि अगर ऐसी कोई पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई ऑब्जेक्शन होता है गाड़ी चलाने में तो नगर नवी से गाड़ी को चलाया जाए और हमारे पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण और ऑटो स्टैंड का विस्तारीकरण और भूमिगत पथ और रेलवे मुख्य मार्ग जो विगत एक साल से जर्जर अवस्था में है उसको ठीक किया जाए। साथ ही सरायघाट एवं सरायघाट एक्सप्रेस का ठहराव क्या आश्वासन क्या मिला? उन्होंने कहा कि मैं अभी नया हूँ, इस विषय में मुझे जानकारी अभी ठीक से नहीं हुआ है, किसी प्रकार से अगर मुझे इस बाबत जानकारी मैं लूँगा और लेने के बाद आप निश्चित रहिए लोकल गाड़ियाँ यहाँ से चलेगी। ऑनलाइन भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। इस प्रति खबर आ रही है पंडवा पलामू से, जहां पंडवा प्रखंड अंतर्गत राजहरा कोयलरी में चल रहे विगत कई दिनों से धरने पर बैठे मजदूर को उदासीनता के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। प्रमोद सोनी हिंद मजदूर किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी मजदूर विगत कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु हिंडाल्को कंपनी की कोई भी संबंधित अधिकारी मिलने नहीं आ रहे हैं। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मजदूरों की समस्याओं से कंपनी को तनिक भी दया भाव नहीं है। साथ ही साथ हम लोग हर तरह की दैनिक क्रिया इसी धरना स्थल से कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही असहनीय है। इस पर कंपनी जल्द ही अमल करके मजदूरों से वार्ता करे। प्रमोद सोनी ने कहा कि अगर कंपनी जल्द से जल्द कोई सुनवाई नहीं करती है तो धरना और चलता रहेगा। हिंद मजदूर किसान पंचायत के जिला अध्यक्ष प्रमोद सोनी। इस चैनल के माध्यम से मैं राजहरा कोलवरी के प्रांगण में आज मजदूर के धरना 9 दिनों से चल रहा है। इसके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि अभी तक राजहरा कोलवरी के प्रांगण में इस धरना पर मैनेजमेंट का कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। इससे हमको साबित होता है कि मैनेजमेंट के पदाधिकारी निकंसू लग रहे हैं और क्या कारण है कि एक गरीब मजदूर को प्रति मैनेजमेंट के पदाधिकारी थोड़ा सा भी संवेदनशील नहीं है कि धरना पर पहुँचे और जो समस्या है बैठ करके मजदूर के बीच में वार्ता करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बिरानी को बंद करता हूँ। जय हिंद। ऑनलाइन भारत के लिए भरत शर्मा की रिपोर्ट।